पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में समीक्षा के साथ उठापटक का दौर शुरू हो गया है। ये हार ऐसी है कि जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर ही दीवारें खिंच गई हैं। जीते इस ग्रुप के कई बड़े नेता गांधी परिवार की जगह किसी नए व्यक्ति को पार्टी की कमान सौंपने की वकालत भी कर चुके हैं, जिसके बाद सोनिया गांधी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ इस्तीफे की पेशकश भी कर दी है, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसे खारिज कर दिया। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी का इस्तीफा तो मंजूर नहीं हुआ, लेकिन जिन पांच राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा उन राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से बिना देरी किए इस्तीफा मांग लिया गया, जिसके बाद पार्टी में इस्तीफों की झड़ी सी लग गई है। आला कमान के इस्तीफे की मांग के बाद पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में सिर्फ पांच शब्द लिखे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैं प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। कांग्रेस के आला नेताओं के मुताबिक इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा इसलिए मांगा गया है ताकि नए सिरे से समितियों का गठन हो सके। ये पहली बार है जब हार के बाद इस तरह इस्तीफे मांगे गए हैं। इस सिलसिले में यूपी में अजय कुमार लल्लू, उत्तराखंड में गणेश गोदियाल, पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू, गोवा में गिरीश चोडनकर और मणिपुर में नमेक पैम लोकेन सिंह के पास पार्टी की कमान है। इस बीच पंजाब के साथ यूपी, उत्तराखंड और गोवा के प्रदेश अध्यक्षों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। गौरतलब है कि पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के प्रयासों से कैप्टन अमरिंदर को कुर्सी से हटाने के बाद राज्य में कांग्रेस विवादों में ही रही है। सरकार में अफसरों की तैनाती से भी सिद्धू और सीएम चन्नी के बीच मतभेद पैदा हुए। सिद्धू का बार बार अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना और भाषा पर नियंत्रण खोना, इन सभी लक्षणों से कांग्रेस को चुनाव से पहले बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया था। आईएनएस रिपोर्ट।